नमस्कार। तो कल हरियाणा का राउंड वन का प्रोविजनल रिजल्ट आ गया, जैसा कि हम जानते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पे वो पीडीएफ आती है, राइट। उसके बाद हमने आपको दिखाया है, इसका एक्सेल शीट मैंने बना दी है। और देखिए पर्पस क्या है, क्योंकि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि हरियाणा में तो वो दिक्कत हो गई है कि 40 लाख का बॉन्ड आ गया है, 5 साल वाला, विच इज हाईएस्ट इन इंडिया। दूसरा देखिए, खासकर नॉर्थ इंडिया में क्या है, कुछ ही चुनिंदा हैं जो ओपन स्टेट है। साउथ में फिर भी क्या है, तो स्टेट तेलंगाना, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और ओपन स्टेट्स। बट नॉर्थ में क्या दिक्कत है, जम्मू कश्मीर क्लोज, पंजाब क्लोज, हिमाचल में एक ही प्राइवेट कॉलेज है। तो ले देखिए, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, ये 3 स्टेट बसते हैं मोस्ट ऑफ एडमिशन के लिए, जो नॉर्थ में लोग रहते हैं और साउथ में नहीं जाना चाहते, अदर देन डीम्ड यूनिवर्सिटीज। राजस्थान भी प्रैक्टिकली क्लोज्ड है, राउंड टू के बाद ओपन होता है, वो भी जो महंगी वाली उनकी मैनेजमेंट की सीटें होती हैं। गुजरात क्लोज्ड, मध्य प्रदेश भी सेम क्लोज्ड, और छत्तीसगढ़ में भी गिने चुने कॉलेज हैं, लो फीस की वजह से बहुत हाई कट ऑफ जाती है। इसलिए हरियाणा को भी तो डिटेल में एनालिसिस करते हैं, यूपी और उत्तराखंड के साथ साथ। और काफी हमारे क्लाइंट्स भी कल परेशान हुए जब ये लोकेशन लिस्ट आई। तो आपके सामने मैं दिखाता हूँ कि हाउ डू आई एनालाइज, आपको भी बढ़िया लगेगा कि हम मोटा मोटा। सबसे पहले आप देखिए, हरियाणा में भी ना एक कंफ्यूजन थी कि जी स्टेट कोटा है, बिल्कुल है। तो अगर आप एलोकेटेड कैटेगरी देखें, तो हम एक प्राइवेट कॉलेज पकड़ते हैं हरियाणा का, जो कि फेमस है, लेट्स से जहाँ कोई कंफ्यूजन ना हो। एमबीबीएस की मैं बात करूँ तो पहले कोर्स एमबीबीएस सिलेक्ट कर लेते हैं, बीडीएस की तो कोई चिंता है नहीं। हमने एमबीबीएस ले लिया और एमबीबीएस में हमने यहाँ का फेमस कॉलेज ले लिया, इतना फेमस भी खैर चलो नहीं है, लेकिन एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत इतराना, जो कि थोड़ा। अब आप कैटेगरी में जाएंगे तो आप देखेंगे बीसीए है, बीसीबी विच इज ओबीसी, एनआरआई, एससी, एससी डिप्राइव्ड, ओपन कैट, और मैनेजमेंट। देखिए जो मैनेजमेंट की सीटें हैं ना, ये होती हैं जो हरियाणा के बच्चों के लिए हो गई। सो टोटल अगर इसमें 137 सीटें दी गई हैं एनआरआई के अलावा, क्योंकि 150 में से 15% एनआरआई होती हैं, तो आप देखेंगे कि मैनेजमेंट सीटें बिल्कुल हाफ होंगी। तो मैनेजमेंट सीट वो होती है जो ओपन टू ऑल होती है। फीस हरियाणा में बिल्कुल सेम है, ठीक है, फीस में कोई फर्क नहीं हरियाणा डोमिसाइल वालों के लिए। हाँ, बट ये है कि उनकी कट ऑफ अलग हो जाती है। तो जैसे कि अगर आप देखेंगे तो या सीटें ही कम है, तो सीटें कम है तो ओपन कैटेगरी में, जो कि इस तरह से हरियाणा का अनरिजर्व माना जाएगा, 446 पे एडमिशन मिल रहा है, जबकि टोटल बच्चे अभी 38 हुए, ठीक ना, 38 में 446। और ये भी देखिए, एनसी मेडिकल कॉलेज इसराना जैसे ही कट ऑफ 446 जा रही है, जो कि टॉप क्लास डीम से ऊपर है। और वहीं मैनेजमेंट की हम बात करें, क्योंकि वहां पर ज्यादा सीटें थी तो 381 पे गिर गया, 67 सीटें थी ना, उससे वहां तक स्कोर चला गया। एंड डेफिनेटली हरियाणा के डोमिसाइल के बच्चों को तो ऑटोमेटिकली वो सीटों के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर आप दोनों को देखिए, विच इज मोर और लेस अ जनरल सीट, तो एनसी मेडिकल कॉलेज जैसे कॉलेज में जो आखिरी सीट मिली है वो 381 नंबर पे फिलहाल लोकेट की गई है, और जो कि रैंक में से हरियाणा में सबसे नीचे कॉलेज माना जाता है, विच इज वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर, उसमें भी 337 नंबर है लास्ट। अगर ठीक है, अगर मैं बिल्कुल ही एससी डिप्राइव पे आ जाऊंगा तो शायद ये थोड़ा नीचे मिल रहा होगा, पर 303 पे मिल रहा है। अब अक्सर हम अपने क्लाइंट्स को भी गाइड करते हैं कि जिसके 220 240 नंबर भी हैं, कि आप ये कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ दिस कॉलेज इज क्वेश्चन मार्क। लोग घबरा गए। तो देखिए, हम हमेशा मैं काउंसलिंग में लोगों को समझाता हूँ, ये प्रॉब्लम है फ्री एग्जिट का। तो हरियाणा में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जहां पर भी फ्री एग्जिट होता है, इवन डीम्ड फॉर दैट मैटर, और फ्री एग्जिट के साथ साथ सिक्योरिटी मनी भी नहीं ली जाती है। हरियाणा में आपने 2,500 रुपये दिया, आपने फॉर्म भर दिया, तो इनमें से ना कई लोग ऐसे होंगे जो सीट नहीं लेने वाले हैं इन कॉलेज में, कहीं नहीं, मोस्टली। लेकिन लोग भर देते हैं क्योंकि तो ठीक है, हमारा कुछ खर्चा तो हो नहीं रहा, फ्री एग्जिट है, हम अगले राउंड में सोचेंगे। तो कहते हैं लोग, मैं तो शब्द शब्द थोड़ा गलत यूज करूँ, लोग मजे लेते हैं। आदेश, विच इज टेक्निकली ब्लड से बेस्ट कॉलेज है प्राइवेट में हरियाणा में, 541 किसी के नंबर है, 541 नंबर है, तो आई एम नॉट श्योर ना कि वो आदेश लेंगे। उनके पास और भी अच्छी अच्छी ऑप्शन हैं, यूपी के उन्हें टॉप कॉलेज मिल सकते हैं, उन्हें इस बच्चे को तो 580 वाले को तो कर्नाटका भी मिल सकता है ना, राइट। तो ये सब
इसमें एलोकेशंस हैं जो असली में फिर बाद में एलोकेशन नहीं होगी और लोग किसी और कोटा से या कैसे भी करके चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा एक वजह रहती है, कारण रहता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जैक्टली उस चीज़ मत जाइए कि हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। इनमें से काफी बच्चे, मतलब कुछ तो मेरे भी क्लाइंट हैं जो ऑलरेडी कहीं और, जो आपने बत्तला का देश में देने, इतने में अगर आपको टाटा मणिपाल मिल रहा है, जामिया हमदर्द मिल रहा है, थोड़ा सा फालतू खर्च करके लेट से 80 लाख और 72-73 लाख आपको आदेश में खर्च करने हैं, तो सारे बच्चों को तो बहुत टॉप क्लास डीम यूनिवर्सिटीज मिल रही हैं, कस्तूरबा वगैरह मिल रही हैं, तो वो कौन यहाँ पर टिकेगा। घबराइए मत, ये कट ऑफ काफी नीचे जाएगी। आइए अब सरकारी पे नजर जरूर मार लेते हैं फिर से, सरकारी की फिलहाल क्या पोजीशन है। और सरकारी में देखिए, जो आपको बिकॉज ऑफ दिस 40 लाख का बॉन्ड जो पहले कभी नहीं होता था, वही देखिए, जो टॉपर बच्चा है हरियाणा का, उसने पीजीएमएस नहीं मांगा है, वंशिका ने अग्रोहा भरा है, क्योंकि ये बॉन्ड फ्री कॉलेज है, 1,80,000 रुपये साल की फीस जाती है, एसआई में भी बॉन्ड नहीं लगता। तो फिर ये बच्चा थोड़ा क्वालिटी देख रहा होगा तो उसे पीजीएमएस हो तक बढ़ते, बट अब देख रहे हैं ये, आई एम श्योर कि कुछ ऐसी बच्ची होगी जिसको गर्ल्स कॉलेज में पढ़ना होगा या ये इस कॉलेज के आसपास रहती होगी, वरना अक्सर भगत फूल सिंह टॉपर बच्चे ऑप्ट नहीं करते हैं। तो अपने टॉपर्स में आपको मैक्सिमम ESI, ESI, ESI जिन लोगों को उससे बचना है बॉन्ड से, और फिर ले लिया किसी किसी ने पीजीएमएस जो क्वालिटी पे जा रहा है। हाँ, कल्पना चावला भी ऊपर भर दिया, आई एम श्योर ये बच्चा शायद करनाल में रहता हुआ है, क्या होगा ना आप देखेंगे ना। देखो मेवाती तो आपको कहीं नजर नहीं आएगा टॉपर्स में, मेवाती सब लास्ट में आएगा, इवन अटल बिहारी वाजपेयी सब लास्ट में है। तो जो लोग बॉन्ड देख रहे हैं सबने अग्रसेन और ESI भर दिया, और अगर मैं लास्ट लास्ट की बात करूं, अगर हम देखते हैं कि फिलहाल आखिरी सीट किसको जा रही है, तो अगर मैं फिर से बात करूं MBBS की, और मैं बात करूं, हम एक कॉलेज लेते हैं जो अग्रोहा वाला कॉलेज हो गया, इसमें पहले हमने लिया, अगर आप लें सिर्फ ओपन कैटेगरी, तो आप देखेंगे कि 630 नंबर पे खत्म है जी, 630 नंबर पे अग्रोहा में, ठीक है ना, 630। आप ध्यान कीजिए, सबसे नीचे PWD तो बहुत नीचे जाता है, उसका फायदा नहीं, सबसे कम ये ऐसी डिप्रेवड क्या होगा 453, इसी सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाती है, 453 मिला है एससी डिप्राइवेट वाले को, एससी वाले को भी 523 पे गया है। PWS तो बिल्कुल आजकल बराबर हो चुका है जी, जनरल के बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 630, 619, BCA भी हमें बराबर ही दिखेगा, जिसमें मोस्टली वो अच्छी जात आती है, ये 589, और ये BCB होता है शायद, जिसमें सारे टॉपर, तो जो BCB 604 पे जा रहा है, जिसमें सब यादव वगैरह आ जाते हैं, और BCA जो शायद एक जेनुअन OBC है, में फिर भी थोड़ा सा हम नीचे 590 तक चले गए, जो कि अच्छा ऑप्शन मिल गया। और इसी में अगर आप लोएस्ट भी अगर मैं देखूंगी, सारे सरकारी में ऑफ कोर्स भगत फूल सिंह में गया होगा, बट फिर भी अगर हम सारे सरकारी पकड़ लें, तो सारे सरकारी में जो BCA की लास्ट सीट है वो भी उसी उसी रेंज में है, 577 ही शायद हमने जो उस समय देखा था, 630 हमने देखा था ना ओपन का अग्रोहा में, और सारे कॉलेजों में जोड़ लिया तो 608 लोएस्ट है जो शहीद अटल बिहारी को फिलहाल अलोकेट हुआ है। 40 लाख का बॉन्ड सख्ती से लगाया जा रहा है, तो मेरी ना गट फील है, सही है गलत है पता नहीं, कि बहुत सारे इनमें से बच्चे जो होंगे वो शायद अब एक्चुअली अग्रोहा कोई नहीं छोड़ेगा और ESI कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी या शहीद मेवाती ले, या इसके बदले हम ऑल इंडिया कोटा में बाहर चले जाएं, ये एक चॉइस है जो बच्चों को करनी चाहिए, और उन्हीं को करने में फायदा होगा। लगता है मैंने शहीद मेवाती चूज नहीं करा था, उसका मुझे कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा था, तो ठीक है, क्योंकि मेवाती अक्सर हमें नीचे नजर आता है अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर। देखिए तो ये सब जो बच्चे होंगे, अल्लाह सेंटली को कॉलेज से बहुत सहते हैं, और ये कॉलेज छोड़ के शायद लोग ऑल इंडिया कोटा में दूसरी जगह चले जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि हरियाणा सरकार को आपने 40 लाख रुपए देने हैं, हॉस्टल के पैसे अलग देने हैं, तो कर्नाटका भी चूज कर सकते हैं सारे बच्चे। तो इस तरह से देखिए, मैं एनालिसिस करता हूँ, जो हमेशा लोग कहते हैं क्या होने वाला है, आप भी एक्सेल शीट खोल के दे सकते हैं, और सेम लॉजिक राउंड वन में पता नहीं चलता, पर यह जरूर पता चलेगा जिसको अलोकेट हुई है, जिसको नहीं हुई है,
बच्चे ना ये देख सकते हैं कि आपसे ऊपर उस कॉलेज में कितने बच्चे हैं, वो सब काउंटिंग की जा सकती है जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए खुद करते हैं। तो लोग अपनी काउंसलिंग खुद कर रहे हैं, वो खुद भी कर सकते हैं। आपको मैंने रास्ता बता दिया जो हमेशा मेरी हैबिट रहती है, और जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ हम क्या कहते हैं मिलजुल के करते हैं, ताकि अगर वो खुद कन्फ्यूज हो जाए तो हम उनके लिए करें एग्जैक्टली। हर बच्चा इतना समय नहीं निकाल पाता, उनकी फैमिली, तो दिस इज हाउ वी गो अबाउट एनालिसिस। लोग कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर आप एनालिसिस कैसे करते हैं, उसने से एक्सेल शीट खोल के हम एक एक कॉलेज एक एक कैटेगरी के बारे में देखते हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहें 9643362320 पे कॉल कीजिए एंड यू कैन बी अवर प्रीमियम कस्टमर। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।